वरुण से शादी करने के बाद सुहानी ने अपने नए घर में कदम रखा। जल्द ही ब्याह के चक्कर में सुहानी अपने नए परिवार को ज्यादा जान ही नहीं पाई थी। थोड़ी बहुत बार वरुण से पूछकर ही ससुराल वालों की पसंद नापसंद का उसने अंदाजा लगा लिया था। ससुराल में जेठ जेठानी, उनका 2 साल का बेटा, सास ससुर तथा कुंवारी ननंद थी जो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती थी। शादी होते ही सभी ने सुहानी को सराखों पर बैठाया और उसको खूब प्यार दिया। सुहानी को भी घर के माहौल में रंगने में ज्यादा देर नहीं लगी। कभी वरुण की मदद से तो कभी खुद की मेहनत से वो सबकी चहेती बनती गई। वरुण जॉब के सिलसिले में हर सप्ताह 5 दिन चले जाता था तथा सप्ताह के अंत में आ जाता था। 5 दिन अपने पति से दूर रहना सुहानी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन सभी के सरल स्वभाव ने उसका मन ससुराल में लगा रखा था, खास तौर पर बड़े भैया विवेक की वजह से। बड़े भैया अपने नाम विवेक के अनुसार ही बड़े अच्छे स्वभाव के थे। अपने हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव से वो सभी के अपने थे। एक बार सप्ताह के अंत में वरुण घर आया हुआ था और सभी खाने की टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सुहानी और उसकी जेठानी निशा सभी को खाना खिला रहे थे। सुहानी की सास लता जी ने आवाज लगाई, सुहानी अब जरा मीठा ले आओ, आज जो तुमने मूंग का हलवा बनाया था ना वो। हाँ मम्मी, बस अभी लाई। सुहानी चहकती हुई मूंग का हलवा ले आई। सभी को मूंग का हलवा परोसने लगी और वरुण को उसने 1 चम्मच हलवा परोस दिया। और फिर जैसे ही वो विवेक भैया की तरफ मुड़ी तो 1 चम्मच परोसने के बाद बड़े भैया ने उसे रोक दिया। भैया लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है, 1 चम्मच और चलेगा। नहीं नहीं सुहानी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे भैया, थोड़ा सा तो चलेगा ही। और सुहानी ने जबरदस्ती विवेक की थाली में 1 चम्मच हलवा और परोस दिया। भैया शायद आपको वो लतीफा याद नहीं जो आपने भेजा था, सुहानी ने हंसते हुए कहा। वरुण को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी। अपना हलवा पूरा किए बिना ही वरुण ने सुहानी को कहा, मुझे भी जरा 1 चम्मच हलवा और दे दो। आप तो रहने दो, देखा नहीं आपका पेट कितना आगे आ रहा है, कहकर सुहानी और निशा भाभी तेज हंस पड़ी। लेकिन वरुण को बहुत बुरा लगा, जैसे सुहानी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। खाना खत्म करते ही वरुण वहां से उठ गया और सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चला गया। वरुण कभी ऐसा व्यवहार करता नहीं था, लेकिन सभी ने सोचा कि सफर की वजह से थक गया होगा। रसोई का काम निपटा कर जब सुहानी अपने कमरे में पहुंची तो वरुण मुंह फेर कर पलंग पर लेटा हुआ था। वरुण शायद सो गया है, यही सोचकर सुहानी ने कमरे की रोशनी बुझा दी और स्वयं भी सोने के लिए लेट गई। सुहानी की आंख लगी ही थी कि उसे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। देखा तो वरुण उसका मोबाइल चेक कर रहा था। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आया, उसने पूछा, क्या हुआ वरुण, मेरे मोबाइल से कुछ काम था, तबियत तो ठीक है ना। सुहानी की आवाज सुनकर वरुण घबरा गया। नहीं नहीं सुहानी, वो तो बस रोशनी के लिए मोबाइल चला रखा है। कमरे की बत्ती जला लो, रोशनी के लिए मोबाइल क्यों खोल रखा है। नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मैं बस सो रहा हूँ, कहकर वरुण सोने के लिए लेट गया। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आया, वो भी करवट बदल कर सो गई। सुबह उठकर जब सुहानी ने मोबाइल देखा तो रिसेंट ऐप के अंदर व्हाट्सएप खुला हुआ था। दिमाग पर जोर देने पर सुहानी को याद आया कि रात को तो वरुण फोन चेक कर रहा था, लेकिन मेरे फोन को खोलकर वो विवेक भैया की चैटिंग क्यों चेक कर रहा था। सुहानी को कुछ समझ नहीं आया। रविवार का दिन था, सभी दिन में साथ में समय व्यतीत कर रहे थे। सुहानी की सास ने कहा, वरुण बेटा हर सप्ताह ही तेरा चक्कर लगाना मुझे पसंद नहीं है, या तो तू सुहानी को वहां ले जा या फिर तू यहाँ पर तेरा ट्रांसफर करवा ले। सास की बात सुनते ही सुहानी बोल पड़ी, मम्मी इनका ट्रांसफर ही यहाँ करा लीजिए, मैं आप लोगों को छोड़कर अकेली नहीं जा रही इनके पास, मेरा तो यहाँ आप लोगों के साथ में इतना अच्छे से मन लग जाता है, वहां पर ये तो दिन भर ऑफिस चले जाएंगे, भला मैं वहां पर क्या करूंगी,
ना वहाँ पर आप लोग होंगे ना भैया भाभी, अकेलेपन से तो मैं वैसे ही घबराती हूँ। सुहानी का इतना कहना था और वरुण भड़क उठा और कहा, सुहानी तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, घरवालों से नहीं। मम्मी पापा की इतनी याद आती है तो ले चलते हैं उनको भी, और भैया भाभी से कभी कभी मिलने आ जाए करेंगे। कब तक इस तरीके से बहाने बनाकर मेरे साथ नहीं चलोगी? किसी को वरुण के इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन सुहानी को अब कुछ कुछ शक होने लगा था। वरुण के इस तरीके से बर्ताव के कारण सुहानी की नजरें भी नीचे हो गई और वो भी चुपचाप से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या है वरुण? आखिर इस तरीके से बर्ताव करने का क्या कारण है? मैंने क्या बर्ताव किया सुहानी? तुमने इस तरीके से सबके सामने मेरे साथ चलने से मना कर दिया, क्या तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई? वरुण, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तुम अपने परिवार को चाहते हो। शादी से पहले जब मैं तुम्हारे साथ रहने की बात करती थी तो तुम मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन मम्मी पापा की हमेशा सेवा करूं। और आज बैठ कर जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सुहानी, साफ साफ क्यों नहीं कहती? मम्मी पापा से ज्यादा तो तुम्हें विवेक भैया पसंद आते हैं। बड़े भैया से तुम्हें बातें करना पसंद है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना है। वरुण, कुछ भी कहने से पहले सोच तो लिया करो। तुम अपने बड़े भाई और अपनी पत्नी के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसमें सोचने वाली बात क्या है सुहानी? तुम दोनों का रिश्ता सारे परिवार को ही दिखता है, किस तरीके से तुम लोग बातें करते हो। मैंने तो ऐसा किसी घर में होते हुए नहीं देखा है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बीवी से इतनी खुलकर बातें करता हो। माना विवेक भैया का स्वभाव मुझसे आकर्षक रहा है, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है ना। बस भी करो वरुण, भगवान के लिए चुप हो जाओ। विवेक भैया मुझे मेरे बड़े भैया जैसे लगते हैं, और ये जो तुम कह रहे हो कि उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, वो उन्होंने मुझे प्राइवेट नहीं फैमिली ग्रुप में भेजा है, लेकिन शायद तुमने उसको अपने मोबाइल में चेक नहीं किया। अच्छा, तो फिर बड़े भैया को तो तुम हमेशा बट बट कर खाना परोसते हो, मूंग का हलवा उनके मना करने पर भी उन्हें दो दो बार देती हो, और मेरे कहने पर भी मुझे नहीं देती हो। भला इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? ओहो वरुण, हद होती है। बड़े भैया रोज सुबह एक घंटा अपनी सेहत को देते हैं। उनके फिटनेस लेवल और तुम्हारे फिटनेस लेवल में बहुत अंतर है। छोटे होते हुए भी तुम्हारा पेट कितना आगे आ रहा है, और अपनी उम्र से पहले ही तुम बड़े लगने लगे हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही तुम्हें मीठा कम दे रही थी। विवेक भैया और मुझ में भाई बहन का रिश्ता है, पर ऐसे रिश्ते को भी तुम शक की नजर से देख रहे हो। मुझे घिन आती है तुम्हारी ऐसी सोच पर। लोगों के घरों में तो समस्या होती है कि पत्नी घर परिवार के साथ रहने से मना कर देती है। नई नई जॉब होते हुए भी पति को अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना पड़ता है, कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पर्सनल उठानी पड़ती है। और यहाँ जब मैं तुम्हारे परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ, तब तुम इसे शक की नजर से देख रहे हो। वरुण, तुम मेरे पति हो, मेरे प्यार हो, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई रिश्ते मैं निभा नहीं सकती। आज तुम्हें अपने भैया से ही इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, कल को मैं तुम्हारे साथ अकेली रहूंगी, तुम्हारे दोस्तों से बोलूंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे पास इससे ज्यादा सफाई देने को कुछ भी नहीं है। कहते कहते सुहानी का गला भर आया और वो तेजी से दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई, बिना ये देखे कि कमरे के कोने में उनकी ये बातें बड़े भैया और भाभी दोनों ही सुन रहे थे। उसके जाने के बाद भैया और भाभी दोनों ही वरुण के पास गए। उनको देखते ही वरुण सकपका गया। भैया भाभी आप? वरुण भैया, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जैसे तुम मेरे छोटे भैया की तरह हो, वैसे ही विवेक सुहानी के लिए बड़े भैया की तरह है। शादी होकर जब मैं आई तब तुमने भी मुझसे बहुत मजाक की है, मुझे बहुत अपनापन दिया है, मुझे कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। जब तुम मेरे साथ देवर बनकर भाई का रिश्ता निभा सकते हो, तो विवेक क्यों नहीं सुहानी के साथ जेठ बनकर बड़े भाई का रिश्ता निभा सकते हैं? इस तरीके से अपनी बीवी पर शक कर तुम अपने ही रिश्ते में कड़वाहट घोल रहे हो। शक के बीच को जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना ही अच्छा है। जितना विश्वास मुझे विवेक पर है, उससे ज्यादा विश्वास मुझे सुहानी पर है।
तुम जब यहाँ रहते नहीं हो तब सुहानी को तुम्हारे लिए तड़पते हुए मैंने देखा है। 5 दिन बस यही सोचती रहती है कि अब की बार जब तुम आओगे तो तुम्हारी पसंद का क्या बनाएगी। तुम्हारे बढ़ते पेट को लेकर अक्सर चिंता करती है कि भाभी कैसे इनकी सेहत को सुधारूं। अभी अगर शरीर बेडोल हो गया तो आगे क्या होगा। YouTube पर नई नई रेसिपी देखती रहती है जो कि स्वाद में भी अच्छा हो तथा सेहत में भी। इतनी फिक्र करने वाले बीबी होते हुए तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। विवेक वरुण के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, वरुण मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी के अभी सुहानी को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन हाँ, मन से शक और कड़वाहट के बीज हटा कर ही अपनी नई जिंदगी को शुरू करना। मेरी बेटी रश्मि जब से हॉस्टल में पढ़ने गई है तब से घर में सुनापन छा गया था और सुहानी के आने पर उसके चुलबुलेपन की वजह से घर में रौनक लगी रहती है। सुहानी में मुझे रश्मि की झलक दिखती है, आगे तुम समझदार हो। वरुण के ऐसे बर्ताव से विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वरुण को समझ आ गया था कि उसके अनगल और बेमतलब के शक की वजह से पूरे घर का माहौल बिगड़ गया है। हर सप्ताह जो परिवार सितारों सा चमकता हुआ मिलता था, आज उसकी इन बातों की वजह से सबकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो मस्ती ही गुम हो गई थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। सही तो कहा भाभी ने कि जब देवर अपनी भाभी का छोटा भाई बन सकता है तो जेठ छोटे भाई की बीवी का बड़ा भाई क्यों नहीं बन सकता। इस रिश्ते के अपनेपन को गलत नजरिए से ही क्यों देखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।